जी ऐसा लगा आप लोगों को हमारा डांस बहुत बढ़िया। एक मिनट बाबा, एक मिनट, हमने डांस किया ही कहाँ बेटा? अगर कर देते ना तो पूछने के लायक ही नहीं रहते। यार क्या बात है, आपकी फिल्म आ रही है? जी सर। जर्सी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। शाहिद साहब, पीछे हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट? एक नंबर का ये चीटर है। हाँ तू हार गया, अब मेरी बैटिंग की बारी है। बाबा मैं आउट ही नहीं हुआ, तो मैंने बैट से बॉल को मारा, मैं आउट कहाँ हुआ? हाँ तो गलत बात है ना, मैं तो स्टंप पे बॉल मार रहा था, बीच में बैट ले आया ये ऐसे। इसको समझाओ। चाहे जी आप ही मुझे बताइए, मैंने बैट से बॉल को मारा, मैं आउट कहाँ हुआ? अरे उनको क्या पूछ रहा है, वो खुद कबीर सिंह में आउट होके घूमते रहते थे। मैं टॉपिक को चेंज करता हूँ, आप लोगों की फिल्म आ रही है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। मेरी तरफ से आपको फिल्म के लिए 50,000 बधाइयाँ। देखो लख लख बधाइयाँ होती है, पूरा लख मैं क्यों दूंगा? आप भी तो कंट्रीब्यूट करेंगे पापा। 50,000 मेरा, 50,000 आपका, तब बना 1,00,000 बधाइयाँ। हट। वैसे क्या बात है? क्या बात है बाबा? क्या बात है? क्या बात है? आपने कहा क्या बात है तो मैं पूछ रहा हूँ बाबा। तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ, बीच में बोल दिया तूने। सॉरी सॉरी, मैं बात करूंगी नहीं उनसे। करो करो पापा, सॉरी सॉरी। क्या बात है? ले भूल गया मैं, तेरी वजह से भूल गया मैं। मुझे क्या बात करनी थी, बीच में जो टोका ना तूने, भूल गया मैं। अब एक काम कर, तू बता इनको क्या बात है। मुझे क्या पता, क्या तू बता। बाबा बात मेरी है ही नहीं, मैं कैसे बताऊं क्या बात है? आपकी बात है, आप बताइए क्या बात है। मुझे पता होता क्या बात है, मैं बता देता क्या बात है। अब भुलवा दिया, सोच नहीं तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। बता क्या बात है। कबीर सिंह की कुछ बात थी पापा। साहब ए बच कर, ओ सॉरी। शाहिद साहब आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन हमारा भी तजुर्बा है इतने सालों का। जी जरूर। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। नहीं सर बताएं। ला बेटे इधर। ओ हाँ बाबा, आप कुछ लाए थे ना? ये ये चाय साहब, ग्लास है, इसमें बर्फ डाला जाता है और ऐसे पिया जाता है। बाबा ये क्या बात बता रहे हैं आप, इन्हें सबको बताया ये तो। तूने कबीर सिंह नहीं देखी क्या? बर्फ गलत जगह पे डाल रहे थे वो। हाँ बस हो गया। ये मेरी तरफ से गिफ्ट आपको है। इसमें बर्फ डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन शायद जी एक गिफ्ट मैं भी आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आपकी दूसरी फिल्म से रिलेटेड है, ये लीजिए आपके लिए कुर्ता पंजाब। कुर्ता पंजाब। उनकी फिल्म थी उड़ता पंजाब। आ तो इसे भी आप बालकनी में सुखाइए, थोड़ी देर में एक कुर्ता पंजाब उड़ता पंजाब हो जाएगा। वैसे पापा यहाँ भी तो देखिए, मृणाल जी भी बैठी हैं। हाँ क्या बात है, और शाहिद जी के लिए तू गिफ्ट लेकर आया, मृणाल जी के लिए कुछ नहीं लाया तू? है ना मेरे पास। हमारी तरफ से। ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे काजू हैं। अच्छा आपके काजू हैं? हाँ। ये
ये अगर आपके काजू हैं हाँ तो कितने में दिए भैया? बाबा ये काजुओं को बेच नहीं रहे हैं। अच्छा ये गेस्ट के लिए रखे हैं। अच्छा गेस्ट के लिए हैं, तो जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो तू दुकान में क्यों जाता है, यहाँ पर आके काजू ले लिया कर। बाबा हमारे गेस्ट अलग हैं, इनके गेस्ट अलग हैं। हाँ सही बात है, हमारे गेस्ट तो ऐसे ही होते हैं। गेस्ट तो असली ये हैं। क्या बात है शाहिद साहब, वेरी नाइस, वेरी हैंडसम यार, क्या बात है, कितनी मेहनत करते हैं शाहिद साहब। शाहिद साहब बाबा शाहिद साहब ऐसे ठीक है, ठीक है ना शाहिद साहब? मैंने जर्सी का प्रोमो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड व्हाट इमोशन हैव यू गाइस कट, क्या इमोशन पकड़ के रखा है। बेटे की जर्सी खरीदने के लिए पैसे चुराते हैं। मुझे मुझे अपना वक्त याद आ गया जब ये छोटा था, मैंने भी इसके लिए पैसे चुराए थे। जर्सी के लिए बाबा? नहीं बॉटल के लिए। बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, गेस्ट आए गेस्ट के सामने कहाँ बॉटल वॉटल की बात कर रहे हैं? मैं दूध की बॉटल की बात कर रहा हूँ। ये इतना दूध पीता था, इतना दूध पीता था कि भैंस का बच्चा छोटा रह गया, ये पी पी के खुद भैंसा हो गया। हेलो, ओ आज शाम को मैच है। ओके ओके पापा मैच रखा है आज शाम को, हमें खेलने जाना है मैच। नहीं नहीं उनको मना कर दो। क्यों? उनको बोलो मैं शाम को नहीं, मैं सुबह बैटिंग करूंगा। ऐसा क्यों पापा? क्योंकि शाम को मैं जल्दी आउट हो जाता हूँ। पापा इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी सेटिंग कर दी है। अच्छा वो आपको 30 तक खेलने देंगे फिर आउट करेंगे। तुझे ऐसा लगता है कि तेरा बाप 30 में आउट हो जाएगा? उनको बोल 30-30 के 3 मैच रखें। और जो जीतेगा कहना उसको बाटली गिफ्ट में दो। बाबा फिर से आपने बाटली की बात की है, ये गलत हो रहा है। अबे शहद की बाटली की बात कर रहा हूँ। ये शहद बीच में कहाँ से आ गया? अब यहाँ पे शहीद कपूर आए हैं तो शहद की बात होगी ना। देखिए मुझे मालूम है ये बहुत ही घटिया वाला था ये, लेकिन हमारा ऐसे ही रहता है शाहिद साहब। अभी कुछ ही दिनों पहले गणेश आचार्य आए थे तो मैं आचार लेके आ गया था। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब यहाँ पे रुस्तम बाटली वाला आएगा। कौन है बाबा ये रुस्तम? अबे रुस्तम गया तेल लगाने, हमें तो बाटली से लेना देना है। ये बातें तो होती रहेंगी पापा। हाँ लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैठी हुई मृणाल जी कितनी क्यूट लग रही हैं। अच्छा तेरा बाप तुझे कभी क्यूट नहीं लगा? हाँ कभी बाप को कहा तूने? ऐसी बातें कर रहे हैं आप पापा, यू नो दैट आई लव यू। अरे आई लव यू उनको बोल, मेरे को क्यूट बोल तू। मैं नाराज हो गया हूँ। Okay. बाप को कभी नहीं नहीं पापा, ए, पापा 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 मेरे पापा दुनिया में सबसे ज्यादा क्यूट है। अगर कोई क्यूट है पूरी दुनिया में तो मेरे पापा हैं, अगर कोई क्यूट है पूरी वर्ल्ड में यूनिवर्स में तो मेरे पापा हैं। मेरे पापा बहुत ज्यादा क्यूट। बेटा मैंने क्यूट बोलने को कहा था, झूठ बोलने को नहीं कहा था। झूठ बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। खैर हम उनकी इतनी बढ़िया फिल्म आ रही है आप दोनों की, तो आपकी फिल्म के लिए हम प्रमोशन करेंगे। हम यहाँ पर एक क्रिकेट का मैच खेलेंगे बेटे। वाओ बाबा बैटिंग मैं करूंगा लेकिन। और आप एम्पायर हैं अर्चना जी। अच्छा ठीक है, ये चीटिंग ना करने पाए। अच्छा ओके आओ आइए। तू बैटिंग करेगा? मैं बैटिंग करूंगा पापा। ये ले बेटा। थैंक यू आउट। अबे ये कैसे आउट हुआ? आउट? ये बॉल वहाँ गई, आउट कैसे हुआ? एक मिनट एम्पायर वो है ना, ये बताइए भगवान कहाँ है? आउट। ये चीटिंग है ना? आउट 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 है।
नहीं बेटे, मेरी बैटिंग का टर्न है। ठीक है, ये सियासी खेल खेल रहे ना आप मेरे साथ। देखिए मैं आपको कैसे आउट करता हूँ। तू सियासी पे ही अटका रहे, कभी 88 खेलना खेलना। आइए पापा, रेडी? आइए। अरे अरे, आउट आउट आउट। अबे ऐसे कैसे आउट? अच्छा एम्पायर जी जरा बताइए, भगवान कहाँ है? भगवान दिल में है बेटा। भगवान दिल में है। आपके लिए भगवान ऊपर से मेरे लिए दिल में आ गए। ये मेरे साथ चीटिंग हो रही है। पापा आपकी एम्पायर के साथ सेटिंग है। ये सब पर्सनल मैटर होता है, पब्लिक में क्यों बोल? मेरा काम खराब कर रहा है। नहीं बोला मैंने। मेरा काम खराब करेगा। भाग मैच की की सेटिंग, भाग क्रिकेट की सेटिंग। पापा बस छोड़िए। शाहिद भाई, हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जी, पोस्ट का पोस्टमार्टम। तो इसमें क्या होता है कि जो आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या वीडियोस कुछ भी डालते हैं। क्यों अपने सेगमेंट्स एक्सप्लेन करते हैं? आपका शो हम सब देखते हैं, बार बार देखते हैं। अब क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? तो हम आपको कुछ जनता के फनी कमेंट्स दिखाना चाहते हैं जो आपके पिक्चर्स पे लोगों ने किए। दिखाइए जरा प्लीज। ये शाहिद भाई ने कई फोटो डाला, टाइम टू सर ठेका 10 बजे खुलता है, आप जल्दी आ गए। भाई ऐसे 2 बार ठक ठक करना पड़ता है, फिर शटर के नीचे से बंदा आता है। उस टेलर को ढूंढते हुए जिसने पैंट छोटी सिल दी। ये मुझे, मैं ना हमेशा, मुझे छोटी पैंट अच्छी लगती है और काफी लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और दिखाइए। He chose me over samosa. Thank you for all your love. Thank you for all your love. Keep it coming. Okay, दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये विद्या का थॉट था। हाँ शाहिद भाई, आपने जो समोसा छोड़ा वो हमें दे दो, क्योंकि ये तो हमारी रेंज से बाहर है। मैं आपके लिए समोसा क्या, अपनी बीवी छोड़ने को तैयार। और दिखाइए। अच्छा, वो इसका नाम छुपा दिया आपने इस बंदे का, नहीं तो पता नहीं क्या होता इसका हाल। पिक्चर बड़ी अच्छी है। लड़के बड़े कमीने होते हैं, सिलेंडर उठाने में इनको मौत पड़ती है, लड़की झट से उठा लेते हैं। नीचे किसी भाई साहब ने लिखा है, मैडम जी मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरे घुटने में दर्द रहता है और मैं सिर्फ 25 किलो तक ही वजन उठा सकता हूँ, ऐसी तस्वीर ना डाला करे, देखकर मन कुंठित होता है। और आगे दिखाइए। गेटिंग अप्रूवल्स फ्रॉम बिग डैडी, पापा नोज बेस्ट, स्पेशल मोमेंट्स। ये कहाँ की फोटो है शायद भाई? ये मेरा नया घर जब बनना शुरू हुआ था। ओके okay. तो मैं डैड को लेकर गया था, इसलिए हमने वो टोपी भी पहनी हुई, यू नो, जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। मैं उन्हें बता रहा था कि क्या है, यू नो, व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउस एंड ऑल। तो दिस इज अ मोमेंट फ्रॉम देयर। वाओ, सो इट इज ऑलवेज अ स्पेशल मोमेंट एज अ सन टू शेयर समथिंग लाइक दैट विद योर डैड। नाइस नाइस, ब्यूटीफुल। दिखाइए जरा कमेंट्स। फिल्में बहुत हिट हो रही हैं पापा, आप बताओ मुंबई में कहां बंगला लेना है? पापा ये स्क्रिप्ट कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है? बेटा तू देखता जा, फिल्म मैं इससे भी बड़ी बनाऊंगा। और दिखाइए। कबीर सिंह नशे में कहीं बाइक पार्क करके आया, अब नक्शे में देख रहा है पार्किंग कहाँ है। पापा भी लाइक, रहने दे बेटा, इंटीरियर डिजाइनर बुला लेते हैं, तू एक्टर अच्छा है, इंजीनियर नहीं। और दिखाइए। अरे भगवान, व्हाई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी व्हेन यू गॉट टर्मरिक एंड हनी। अच्छा ये क्या आया था दिमाग में मृणाल आपके? ये वो अब
टैन हो गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा कुछ घर के बट तुम टैन सिर्फ इतने एरिया में ही हुई थी, तुम क्या यहाँ तक पहन के घूम रही थी? वो बनाया था यहाँ तक खत्म हो गया तो मैंने कहा छोड़ दो। दिखाइए जरा कमेंट्स। टर्मरिक मुंह तो पीला हो गया, हाथ कब पीले कर रही हो? जल्दी बताओ। सब लोग मेरे हाथ पीले करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? होते हैं ऐसे कई। मैं गुस्से में नीला पड़ रहा हूँ। गुस्से में नीले नहीं लाल पड़ते हैं। मैं काला हूँ, मैं नीला ही पड़ता हूँ। अर्ज किया है, मुस्कुराती हुई तुम धाकड़ लग रही हो, पीले चेहरे में आम पापड़ लग रही हो। वाह, खा लो। आम पापड़ बहुत टेस्टी होता है। I know, खा लो। दिखाइए और। मिक्सर का ढक्कन ठीक से बंद कर देती तो ये हालत नहीं होती। गर्दन पे भी हल्दी लगा लेती वरना गर्दन और चेहरे में फर्क दिखेगा। ये टेक्निकल डिटेल्स ये देखो। मैंने ना एक अपने हिडन अकाउंट से मैंने ये डाला क्योंकि प्रमोशन शुरू होने वाले थे। हीरोइन बेस्ट लगनी चाहिए और ध्यान रखना पड़ता है। एक्सक्यूज मी। दिखाइए जरा कमेंट्स। आपकी नहाते हुए किसने फोटो खींच ली? मैंने एक बार खींची थी, बहुत मार पड़ी थी। एक ने लिखा है गर्म पानी से नहाते हुए कोई भी हॉट लग सकता है। दम है तो दिसंबर के महीने में ठंडे पानी से नहा के दिखाओ। वैसे मैं दिसंबर में ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। वाह क्या बात है। इतने बड़े स्टार हो, पीठ पे साबुन खुद लगाते हो या किसी को रखा है? जब नहाते हुए फोटो खींचने के लिए किसी को रख सकता हूँ तो साबुन लगाने के लिए क्यों नहीं रख सकता ब्रो? एक्चुअली फ्रेम के बाहर एक आदमी पानी भी डाल रहा है, मैं शावर भी नहीं रखता। आई हैव अ पर्सन। और दिखाइए। नहाते वक्त हमारे कान में तो साबुन फंस जाता है, आपके नहीं फंसता? गुस्सा तो ऐसे हो जैसे काम वाली बाई फिर से ग्लास तोड़ गया। और दिखाइए। बस छोटा। ओ यार इतना मजा आता है। आम पापड़ वाले फोटो लगा देते हैं, इनके बड़े हॉट से फोटो लगाते हैं। नॉट फेयर। आम पापड़ में इतनी प्यारी लग रही हैं। शहीद भाई हमने एक बात सुनी कि जब उड़ता पंजाब आप कर रहे थे, जो आपने लुक रखा था जी, तो उस वक्त आप मीरा भाभी के फादर से मिलने गए थे जी, तो उन्होंने आपकी लुक देख के कहा था कि हैं ये किसे शादी कर रही मेरी बेटी, ये क्या किस्सा क्या था वो? एक्चुअली उनके फादर से ज्यादा उनके पास एक पेट डॉग थे। अच्छा। और यू नो उनका नाम है बिंगो, वो ब्लैक कलर के लैब्राडोर थे। थोड़े से डॉग्स ऐसे होते हैं, उनके ओनर्स उनको बड़ा प्यार करते हैं और उनको लगता है हमारा कितना क्यूट सा बच्चा है, लेकिन वो डॉग्स बाकी लोगों के लिए थोड़े से अजीब से होते हैं। हाँ। तो कहीं भी आके सूंघने लगते हैं, चढ़ जाते हैं आपके ऊपर, यू नो थोड़े से वैसे, थोड़े हाइपर टाइप का था वो डॉग। अच्छा। तो मुझे उसका रिएक्शन याद है। अच्छा। वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था मेरे साथ, यू नो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी होने वाली बीवी के घर में मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। और एक्चुअली उस टाइम मैंने अपने बालों में ना वो कलर लगाया हुआ था वो। अच्छा। बिकॉज उसमें वो कैरेक्टर था ना थोड़ा पागल सा। उनके फादर जो हैं वो बहुत ही यू नो बहुत ही नॉर्मल शर्ट फॉर्मल पैंट्स पहनते हैं डैड, और यू नो बहुत नीट हेयर स्टाइल है उनका, हमेशा रोज सुबह शेव करते हैं आपके डैड की तरह। जस्ट लाइक माय डैड। सो यू नो ही इज वेरी प्रॉपर लाइक दैट यू नो। तो उन्होंने जब पहली बार मुझे देखा तो उनके शक्ल पे बस ये लिखा हुआ था कि ये मेरी बेटी किससे शादी करने वाली है, ये किस टाइप का लड़का है। तो अब जब भी मैं यू नो थोड़ा बिब्बा मुंडा थोड़ा अच्छे से बाल वाल शेप अप करके जाता हूँ तो उनकी आंखों में इतनी खुशी होती है कि उनको लगता है बच गई मेरी बेटी, बच गई। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.